अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आज ये सदन जो देश के जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला सर्वोच्च सदन है और देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से इस उत्तरदायित्व की अपेक्षा भी करती है कि देश के ज्वलंत समस्याओं के संबंध में इस देश की सदन में चर्चा क्या होती है। और मैं बहुत आभारी हूं कि बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली, NCR या देश के अन्य राज्यों में, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के और राज्यों में भी, जिस तरह से एयर पोल्यूशन की स्थितियां विषम हुई और जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स उस सामान्य स्थिति से बढ़कर के और 500 तक, जो अपने आप में एक अलार्मिंग क्या डिजास्टर सिचुएशन पे पहुंच गई, जिसके नाते दिल्ली के स्कूल बंद करने पड़े, दिल्ली के बच्चों को घरों में रहना पड़ा या लोगों को सड़कों पे निकलने पे जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, चाहे उनकी आंखों में जलन सी हुई और जिसके नाते फ्लाइट भी काफ़ी कैंसिल की गई, तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का व्यापक जनमानस पे प्रभाव पड़ा। उस सदन ने आज कम से कम उस सर्वोच्च सदन पिछले 3 दिनों से इस विषय पे चर्चा कर रहा है और जिसका एक ये संदेश पूरे देश में जा रहा है कि आज हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण विषय की प्राथमिकता को समझ करके और सदन उस पर कोई ना कोई उपाय करना चाहता है। हम दूसरे सदन का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री जी ने जिस तरह से दूसरे सदन में भी इस चर्चा में उत्तर दिया, आज एक देश में विश्वास भी पैदा हो रहा है कि सरकार एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि जिस तरह के उत्तर आए उसे लगता है कि हम एक तात्कालिक रूप से क्या उपाय कर सकते हैं और एक दीर्घकालिक उपाय रूप में क्या कर सकते हैं। और इस विषय पर केवल आज केंद्र सरकार, निश्चित तौर से इसमें राज्य सरकार हो या हमारी तमाम और जो एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं, या जिस तरीके के प्रश्न में उत्तर भी आया, तो एक रूल्स भी बनाने के बाद आज उसको लागू करने का जो दायित्व है, और ये केवल इस देश की परिस्थितियां नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति हो रही है कि करीब 7 मिलियन डेथ पूरे विश्व में पुअर एयर क्वालिटी के नाते हो रही है, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। और डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि 9 out of 10 पीपुल वर्ल्ड वाइड ब्रीथ अनसेफ एयर एंड ए स्टडी बाय IQAIR विजुअल 2018 स्टेटेड दैट 22 out of 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज वेयर इन इंडिया टॉप बाय गुरुग्राम एंड फॉलोड बाय गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा एंड दिल्ली एट 11th स्टेट। एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2017 रिपोर्ट स्टेट्स एयर पॉल्यूशन किल्स ए चाइल्ड एवरी 3 मिनट्स इन इंडिया, 1,95,000 डेथ्स इन 2017, अबाउट 535 पर डे एज पर वर्ल्ड बैंक। एयर पॉल्यूशन काजेज ए लॉज टू इंडियन इकोनॉमी ऑफ अबाउट 8.5% ऑफ इट्स GDP। न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए प्राण घातक हो रहा है, जानलेवा, बल्कि हमारे GDP को भी इफेक्ट कर रहा है। और खुद इस पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिस पर उनके CEO अमिताभ कांत ने कहा है कि नाउ टुडे सिटीज ऑक्यूपाई जस्ट 3% ऑफ द लैंड बट कंट्रीब्यूट टू 82% ऑफ द GDP एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 78% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। आज पूरी दुनिया के, चाहे पेरिस की बात हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर जिस समय प्रधानमंत्री बने उन्होंने दुनिया में एक स्वच्छता अभियान या पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के कार्बन उत्सर्जन पे हर दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या भारत के अंदर जिस तरह का कंसर्न किया, आज पूरी दुनिया इस बात को प्रभावित है। तो स्वाभाविक है कि हम इस देश में भी जो आज इस कार्बन डाइऑक्साइड का जिस तरह का उत्सर्जन हो रहा है, तो आखिर इसमें हमारा क्या दायित्व होता। निश्चित तौर से ये ऋग्वेद के जमाने से चला आया कि प्रकृति रक्षित रक्षिता, मतलब नेचर प्रोटेक्ट इफ इट इज ए प्रोटेक्टेड। तो स्वाभाविक है कि आज जब हम इस बात को पे चिंता कर रहे हैं कि हम सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, दिल्ली में DDA क्या कर रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोगों ने भी चिंता की, हमने अपनी कमेटी में भी चिंता की है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऋग्वेद ने भी जो कहा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि अग्नि, इंद्र, वरुण एंड आदित्य,
ये इस चीजें हैं कि लुकिंग एट एवरी एंटिटी ऑफ नेचर विद द आईज ऑफ ए फ्रेंड एंड सिंपैथी. मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर सन. माता भूमि पुत्र हान पृथ्व्या. एंड एक मुख्य बात कहना चाहता हूं कि ए पॉन्ड इक्वल्स 10 बेल्स एंड ए रिजर्वायर इक्वल्स 10 पॉन्ड्स, ए सन इक्वल्स 10 रिजर्वायर्स एंड ए ट्री इक्वल्स 10 सन्स. तो आखिर वृक्ष का कितना महत्व है. और जिस तरीके से आज प्लांटेशन की बात हो या जिस तरीके से आज एक हमको चाहिए कि 33% जो लैंड है उसका 33% वनों से आच्छादित होना चाहिए और आज स्थिति क्या 14% भी नहीं, कुछ राज्यों में उससे भी कम है. तो स्वाभाविक है कि जो आज ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं इसके लिए जो हम कर रहे हैं, एक खाली हम इस सरकारी उपाय के साथ साथ हम राज्यों को और खुद भी हम लोगों में इस बात का एक अवेयरनेस आना होगा कि इसको आज सबसे इस गंभीर समस्या के लिए हम सब लोग मिलकर के इसका उपाय करें. आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद.